आ रहे हैं ये यहाँ यार, पर और सब सब जगह पे नहीं, सब जगह पे जगह है। पे इनकी गिरी। इनके दो पत्ते अगर आप अपने घर पर, सॉरी हाँ, तो सही है, उसमें आप अपना सहयोग कीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि मोती की भी खेती हो सकती है? नहीं, पर हमारे जो बांके बिहारी श्री कृष्ण है, उन्होंने आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हुआ हूँ वहां पर मोतियों की खेती करी थी, और उन पेड़ों में से मोती निकले थे। या आज ये जो स्थान है, ये नंदगांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे है, आपको वहां दूर से नंदगांव दिख रहा है, और ये मोती कुंड है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत लीला हुई है राधा कृष्ण की। लीला क्या हुई है? श्री कृष्ण ने यहाँ पर मोती की खेती करी थी, क्योंकि जब मोती उन्होंने राधा जी के पास में देखे तो एक माला उनको मिल रही थी, तो उन्होंने उस माला से जो है बीज बो दिए, और फिर यहाँ पर जो है मोती के पेड़ हो गए। फिर राधा रानी की जो सखियां थी, उन्होंने श्री कृष्ण को जाके बोला है कि श्री कृष्ण ने तो मोती की खेती करी है। तो इस को सुनकर राधा कृष्ण की सखियां ने जो थी, उन्होंने भी यहाँ मोती उगाए, पर वहां से मोती नहीं निकले, वहां से क्या हुआ, पेड़ निकले। और फिर उसमें जो है राधा कृष्ण की लीला हुई, कहा सुनी, जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति सब हुई। उसमें ये था कि राधा कृष्ण की जो सखियां थी ललिता विशाखा, उन्होंने बोला कि हमारी राधा रानी ने तो जो मोती उगाए थे वो तो उद्धार हो गया उनका, और तुम्हारे जो श्री कृष्ण ने जो मोती उगाए उनको तो बेचारों को पेड़ बनना पड़ा, फिर उनमें से मोती निकले, इस तरह से उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ये इस तरह की यहाँ पर अद्भुत लीला हुई थी श्री कृष्ण की। ये मोती कुंड है, ये जो मोती कुंड है, प्राचीन मोती कुंड है। और ये मंदिर देखिए आप, मंदिर का बाहर का हिस्सा ये देखिए कितना प्राचीन, ऊपर ध्वजा जहां पर कि हनुमान जी है, और बहुत ही भव्य और अद्भुत अपने आप में यह स्थान। इसके दर्शन आप करेंगे मेरे साथ में ब्रज दर्शनम चैनल पर, जो कि ब्रज का चैनल है, और ब्रज के जो राधा कृष्ण के लीला के जो स्थल है उनके आपको यहाँ पर दर्शन मिलते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, और राधा कृष्ण की लीलाओं वाले स्थानों के दर्शन करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सभी भक्तों को मैं पहले तो बोलूंगा कि आप मन में राधा नाम लेते हुए हमारे साथ में मानसिक रूप से इस प्राचीन और श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला का साक्षी इस मंदिर के साथ में हमारे साथ में अंदर प्रवेश करिए, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ठाकुर जी के भी दर्शन करवाते हैं। और राधे राधे स्वामी जी, आपको हमें सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, और आप यहाँ पे कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं। राधे राधे सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम यहाँ से, हमारे बड़े गुरु जी जो श्री श्री एकादश आज श्री कमलाकांत दास महान जी जी, उनका शरीर छूट गया, अभी 3 साल हो गए, तो उनके निश्चित में हम यहाँ पे आए थे। आज हमें 12 साल हो गए। 12 साल यहाँ पे क्या लीला हुई थी, थोड़ा सा हमारे भक्तों को इस स्थान की लीला के बारे में भी बताएं। यहाँ पे ठाकुर जी ने ये लीला किया था कि महाराज, एक महाराज जी थे, उन्होंने मोती का माला भेजा महाराज जी के पास, नंद बाबा के पास। तो नंद बाबा वो मोती का माला देखे तो बोले कि एक मोती माला तो उन्होंने भेज दिया, हमें क्या डबल उपहार दे। ठाकुर जी ने बोला ये कहाँ चला, तो बोले कि मोती है इसका। तो उन्होंने एक मोती तोड़ के माले की आके बता दिया। अच्छा, तो वो माता की मतलब माँ बोलने लगी, माला टूटा हुआ था, तो पूछे कि मोती क्या किया आपने। तो मैंने बताया मैया मेरे तो मोती बोल दिया। तो बोले कि मोती कहाँ होंगे लाला। तो मैया बोले सुबह तो मोती ही मोती हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ की लीला थी कि शाम को उन्होंने बोया, सुबह मोती का पेड़। तो मोती के पेड़ जो बाहर है, जी मतलब उस तरह का जो पुराने टाइम में अभी भी, हाँ अभी अभी है बाहर जो हाँ, पेड़ जी है, जी मोती का पेड़ जी जी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान बोया था, और इसीलिए इसका नाम मोती कुंड कहा जाता है। ये प्रसिद्ध नाम इनका मोती कुंड है। अभी के यहाँ के जो महंत है नारायण दास महाराज जी हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं, और सेवा से चल रहा है आश्रम, सबकी कृपा। मैं यहाँ पर अपने भक्तों को जो भी देख रहे हैं उनसे बोलूंगा कि जो मोती कुंड है अपने पर आए नंदगांव से, ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भागवत कथा का पाठ
आप अपना पुण्य भगवान के लिए दान पुण्य दे, जो भी किस तरह से आप बताइए कि वार्षिक कुछ यहाँ पे उत्सव होता है, जन्माष्टमी हो, इस तरह से कोई भी राम जी सहयोग आपकी इच्छा है, अखंड राम जी पाठ चल रहा है, 25-40 आदमी महात्मा आते जाते रहते हैं, को जो दान देना है यथा शक्ति से जो अपने दो ठाकुर जी थे आप, ये है कि ठाकुर जी के चरणों में एक दोगे तो यहाँ से 10 लेके जाओ। हाँ जी, कि एक अगर आप यहाँ पे दिल से दान दे रहे हो तो 10 ठाकुर जी आपको दे, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर राधा कृष्ण के इस पर आकर आपको एक अलग ही अनुभव और सुकून मिलेगा। श्री कृष्ण के होता है बहुत बड़ा एहसास, बहुत एहसास है मंदिर के प्रांगण को देखने, ये हवन कुंड है यहाँ पर महाराज जी का हवन कुंड है, हवन पर और वहाँ पर ठाकुर जी, वहाँ पर ठाकुर जी है, ठाकुर जी के दर्शन करवाइए आइए जरा, ये ठाकुर जी के दर्शन, जय हो, ये राधा रानी जी, ये राधा रानी, ये राधा रानी है और उधर बांके बिहारी जी है, और इनकी नैन जो है वो भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं बिल्कुल ही, क्योंकि मोती कुंड की वजह से ना, बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हो आप, और ये 20 साल से रामायण अच्छा अखंड अखंड चल रही है, एक बार जोत को भी दिखाओ और भक्तों से बोल रहे हो जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, आप अखंड रामायण में आग सॉरी आप अपना सहयोग किसी भी तरह से करें, छोटा कुछ भी छोटा मोटा जितना भी बनता है आपके सामर्थ्य है, उस तरह से आप इन प्राचीन स्थानों पर आकर चलिए सहयोग, देखिए ये यज्ञ स्थल बना हुआ है, ये यज्ञ स्थल बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी बैठे हुए हैं हमारे साक्षात शिव जी के साथ में, यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, ये काशी विश्वनाथ है उनका स्वरूप है, यहाँ बालाजी सरकार है, बालाजी सरकार, और उधर वहां सामने हमारे मोती मोती बिहारी है, जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया है, हाँ वो समाधि भी है, वो समाधि भी दिखाते हैं, हाँ हाँ अच्छा ये अच्छा गुरु जी जी, ये उनकी समाधि है, प्रतिमा प्रतिमा आज जो कुछ है। अच्छा यहाँ पर वो जो आप मोतियों का पेड़ बता रहे थे, जो श्री कृष्ण मोतियों का पेड़, वो भी आप हमें एक बार बताओ कौन सा वाला है, ओके आप तो ये यहाँ के पुजारी जी हैं, ये हमको वो मोतियों का पेड़ दिखाने ले जा रहे हैं जो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यहाँ पर खेती करी थी मोती की, एक एक मोती से, एक मोती से खेती करी थी, और आज भी उस पेड़ के ऊपर मोतियों जैसे पुष्प आते हैं जी। तो वो कुछ महीने में आते हैं, कुछ 3 साल में 4 साल में भी देते हैं, अच्छा ठाकुर जी की उनकी कृपा हो जाए, ये है वो पेड़, अच्छा ये पेड़ है, और इस पर 3-4 साल में कभी कभार मोतियों जैसे पुष्प आते हैं, ऑन रहने देना प्रिय, ये देखिए ये फल लग रहा है इनका, अच्छा ये यहाँ पर देखिए ये अलग ही है बिल्कुल, ये अलग है इस तरह से आते नहीं है, हाँ ये मोतियों की तरह से ही मोतियों की तरह से है, ये यहाँ पर ये देखो लग रहा है, ये देखो यहाँ ये देखो मोतियों पे जैसे माला में लगे रहते हैं जो मोतियाँ रहती है ना, हाँ हाँ उसी तरह से, और एक ही जगह पर सारे आ रहे हैं यहाँ पर, सब जगह पे नहीं, सब जगह पे कहीं कहीं पर ही कीजिए, और ये भी साल में या 3-4 साल में आते नहीं तो वैसे नहीं, मानता ये है कि इनका जो पत्ता लेके जाके ठाकुर जी के चरणों से अपने घर में पूजा करता है, अच्छा ये भी मान्यता है कि इनका पत्ता अपने तिजोरी में रखते हैं, मोती की कीमत है उतना ही इनके पत्ते की कीमत, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें इस प्राचीन स्थल के बारे में बताया।
राधे राधे। तो ये वो मोतियों के पेड़ हैं जैसे कि पुजारी जी ने बताया है, और इनके दो पत्ते अगर आप अपने घर पर पूजा के स्थान में या अपने जहाँ पर खजाना जैसे बताया था कि जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है वहां पर रखेंगे तो आपकी जो है लक्ष्मी जी की जो है और बढ़ोतरी होगी। तो ये पत्ते मैं तोड़ लेता हूँ अपने यहाँ के लिए, अपने घर पर मैं ले जाऊंगा और वहां पर मैं रखूंगा मंदिर में। तो मैं आप सभी से इस वीडियो में राधे राधे बोलते हुए बोलूंगा कि आपने जो भी इस मंदिर के दर्शन करें और अगर आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ठाकुर जी यहाँ पर कितने कैसे अच्छे लगे, उनके नेत्र कैसे अच्छे लग रहे थे आपको, मूर्तियों की तरह बड़े सुंदर लगे, या आपके जो भी भाव है आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में इसी तरह ब्रज के किसी ऐसे स्थान पर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हाँ Thank you.